टू फैमिली न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं न्यू ब्लॉग आज का। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को मिस मत करिए, पूरा देखिएगा। कौन है, आ जाओ, देखें कौन है, देख लेते हैं। ना आ गई, ये फ्रेंड्स हमारी छोटी बहन है, रसूलाबाद से आई हैं। इनकी तबीयत नहीं सही है और दवा लेने आई गोपाल गुप्ता से कल्याणपुर में। कितनी बार खाली वाले केला है ये। उनकी भाई केला गले बहुत है, गर्मी पड़ रही है ना। इनके वालों केला नहीं है। माँ बनो भी होती है, यही निकल गई खोल के। इनका तो ये सड़े ही है, हमारे गले में तो तीन चुमाए फूट के नहीं, हमारी इनके सड़े देखो ये मेरे। फ्रेंड आज सिंगाड़ा की सब्जी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड, अभी उठे हैं सिंगाड़ा सब्जी काम वाम करके, झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अभी सिंगाड़ा सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड आज अभी मेरी सिस्टर जाएंगी जल्दी से बुझाने के लिए, बोल रही हैं रसूलाबाद। तो अभी सब्जी लेके आए हैं मार्केट से, देखिए इंडको के पास से लेके आए, इंडको मार्केट लगती है सुबह सुबह सब्जी मंडी है, तो वहीं से लेकर के सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो ये बारिश फ्रेंड से पालक भी ले आए हैं, गोभी ले आए हैं और ये चुकंदर लाए हैं, देखिए फ्रेंड से चुकंदर, और ये गाजर ले आए हैं, गाजर है फ्रेंड। इसको सब्जी को काट के अभी हम खाना बनाते हैं। सिंगाड़ा इसलिए बनाए ले रहे हैं फ्रेंड, पानी में रहता है ये, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, नहीं है मजबूत भी नहीं, कच्चा सिंगाड़ा है अभी बना रहे हैं। अभी जो खाना बना दें क्योंकि सुलावर उनका पार्लर है, तो वहीं जाएंगी दुकान खोलेंगी जा करके, सुबह सुबह सिलाई भी करती हैं, कस्टमरों को कपड़े भी देने हैं। इसलिए कि वो छिलते नहीं हैं, इसे चाकू से काट लिया है, चाकू से काट करके छीलने पड़ते हैं क्योंकि इनमें कांटा होते हैं, लग जाते हैं। ये देखिए इतने कच्चे हैं कि इनको छीलने में देखिए आधे आधे इसमें कट करके निकल जाते हैं, और जब सिंगाड़ा पक जाता है तो छीलो एकदम से अच्छे से पूरा सेफ सिंगाड़ा निकलता है। बहुत महंगा सिंगाड़ा है, 40 रुपए किलो मिला है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है इसलिए महंगा है, नवरात्रि के बाद सस्ता हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी बन जाए तो सही रहे, वो खा लेंगी आराम से, फिर हमको भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो जाएंगी घर जाएंगी नहीं, घर इनका थोड़ा दूर पड़ता है वहाँ से, गांव काफ़ी दूर है और गांव जाना नहीं चाहती हैं, तो कह रही कि यहाँ से जाऊँगी दुकान खोल लेंगे, जब दुकान खोल लेंगे जाकर तो पूरे दिन घूम के कैसे रहेंगे, क्योंकि बाहर का खाना इनको मना है, तो ये सही नहीं है।
फ्रेंड्स सिंगाड़ा इतने निकले हैं, देखिए फ्रेंड्स, और चूला देखिए कितना निकला, छिकला ही कितने निकले हैं, आधे से ज़्यादा तो छिकल ही निकल जाता है, सिंगाड़ा बहुत कम निकलता है, देखिए कितने निकले हैं। ये ऐसे इनको फोल्ड करके रख लूंगी तो सही से सब्जी बन जाएगी, नहीं तो ये गढ़ियाती नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे काट करके बनाऊंगी तो गाढ़ी नहीं होगी, इतनी नहीं गाढ़ी बनती है, अगर ऐसे फोल्ड करके बनाऊंगी तो तरी सही से गढ़िया जाएंगी। ये चुकंदर और गाजर फ्रेंड्स बॉईल किया हुआ है, हल्का सा बॉईल किया हुआ है, इसमें काला नमक और काली मिर्च डाल करके और इसको खाने के लिए बताया है डॉक्टर ने, और मुझे डेंगू हो गया था वही मैं सुबह रोज़ खाती हूँ। और फ्रेंड्स ये है, ये किराना डाल करके दूध पकाया था, तो ये मैंने प्लेट लगाई है अपनी सिस्टर को, बोले मैं जा रही देने, ये मैं खाऊँगी ये उनको दे दूँगी। नाश्ता करो तब तक भी खाना बना दे रहा हूँ, ये तैयार हो रही है जाने के लिए। रोज की आदत पड़ी हुई है, फ्रेंड्स मैंने खाना बना दिया है, खाना बनकर रेडी हो गया, ये सब्जी बन गई, हरी मैंने रोटी भी बना दी है इनके खाने के लिए, रोटी भी बना दी, पराठा भी बन गए हैं ले जाने के लिए लंच के लिए इनको। फ्रेंड्स खाना खाने जा रहे हैं, दिन का टाइम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, फ्रेंड्स जाने के लिए तैयार तो है लेकिन बारिश अभी बंद ही नहीं है।
बैग बना हुआ था काफी दिन बाद आए, बहुत दिन का बैग बना हुआ रखा है हमारे पास। ये मैंने बैग बनाया था फ्रेंड्स घर पे, एक ये भी मैंने बनाया था, ये फर्स्ट बार बनाया था ये मैंने जब बनाया था, और ये एक बनाया है और एक और बनाया है, एक ये बनाया था, कई बैग बना चुकी हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये चैन लगी है और एक ये चैन लगी है अंदर, इसके अंदर भी जेब लगी है, ये भी लगाई थी। तो ये इनके लिए बनाया था, ये अपना सामान इसमें पैक कर लो फ्रेंड्स, ये अभी जा रही हैं सामान पैक करेंगे। फ्रेंड्स ये बैग इनका रेडी हो गया है, ये देखिए इन्होंने रेडी कर लिया है, जा रही हैं ये। ये हमारी छोटी सिस्टर हैं, ये छोटी हैं, ये मत समझना मैं जुड़वा की हूँ, मैं जुड़वा की नहीं हूँ, ये 3 साल हमसे छोटी है फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी बहन, इनसे छोटी एक और बहन है, सबसे छोटा भाई है, एक हमारी बड़ी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई है, 2 साल हो गए इनके एक्सपायर करके, अब ये जा रही हैं, इन्होंने कर ली है तैयारी। तो फ्रेंड्स मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ रोड पे, बैठा रहा हूँ गाड़ी में। नमस्ते लीला। नमस्ते। फ्रेंड्स मैं इनको भेजने जा रही हूँ और वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी लोगों तक पहुँचते रहें फ्रेंड्स। मुर्की कहते हैं और मेरी ससुराल में इसको ददरी कहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर ददरी बोला जाता है, मेरी मम्मी के यहाँ पर इसको मुर्की बोला जाता है, हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी सिस्टर आई थी तो लेके आई थी मेरे लिए खाने के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ी सीमी ऐसी है, काफ़ी दिन हो गए भुने हुए, और धूप निकलेगी तो इसको सुखाऊंगी, क्योंकि आज बादल बहुत तेज है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की है, बादल भी छाए हुए तो धूप निकलेगी, इसको सुखा कर तब खाऊँगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है। किसको किसको ये ददरी पसंद है फ्रेंड्स तो कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, किसको किसको पसंद है, तो आइए आप लोग भी खाइए आकर के फ्रेंड्स। और ये देखिए मक्का का आटा भी ले आई है मेरी बहन, ये देखिए फ्रेंड्स कितना है, काफ़ी ले आई हैं, थक गई होंगी बेचारी बैग काफ़ी भारी था, ये देखिए फ्रेंड्स ये मक्के का आटा है, ये भी ले आई हैं, तो इसको मैं उठा करके अभी रख देती हूँ डिब्बे में, क्योंकि चूहियाँ भी हैं घर में तो बहुत ज़्यादा चूहिया लगती है, इसलिए इसको इसी रख देती हूँ, नहीं तो पन्नी काट देंगे तो फैल जाएगा सारा आटा, क्योंकि हल्की सी पन्नी फटी हुई है, ये देखिए फैल गया हल्का सा,
सिला देती हूँ।